हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के मार्च मंथ के मास्टर इन करंट अफेयर के महिंद्रा के, ठीक है, मार्च 2019 के करंट अफेयर को देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, ताकि आप लोगों को रेलवे का जो भी नोटिफिकेशन आया है अभी 1.5 लाख वैकेंसी का, उसमें जो भी आपको करंट अफेयर पूछे जाए आप यहाँ से कवर कर लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग चर्चित व्यक्तियों पर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलज श्रीवास्तव। जलज श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किस अमेरिकी भारतीय महिला को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रुति पालनी पन्न को चुना गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में, जो एक भारतीय अमेरिका महिला के रूप में चुना गया है। किन्हें? श्रुति पालनीपन को। न्यू बैलिस्टिक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन बारकेल को चुना गया है। न्यू बैलिस्टिक सचिव के रूप में चुना गया है स्टीफन बारकेल को। जायस मसूया को कार्यकारी शासनात्मक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कहाँ नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है UNIP के कार्यकारी शासनात्मक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जयस मसूया को। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद सक्सेना को नियुक्त किया गया है UPSC के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MN नायक को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में। भारतीय मोटर स्पोर्ट्स क्लब संघ के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे पृथ्वीराज को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे पृथ्वीराज को चुना गया है मोटर स्पोर्ट्स क्लब संघ के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति के रूप में। अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा को नियुक्त किया गया है अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। और इनसे पहले भी यही थे और अभी भी यही पर है सुनील अरोड़ा। किस संगठन ने मिली बॉबी ब्राउन को अपना सबसे कम उम्र के गुडविल राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ ने अपना सबसे कम उम्र का गुडविल राजदूत नियुक्त किया गया है मिली बॉबी ब्राउन को। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की समिति पर एशिया प्रशांत सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचन कौन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति सरन निर्विरोध निर्वाचन हुए हैं आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर। सरकार ने वित्तीय सेवाओं विभागों के आर्थिक सलाहकार ललित कुमार चंदेल को किस बैंक के बोर्ड पर नामांकित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक के। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने, दक्षिण अफ्रीका की जो राष्ट्रपति हैं अभी सिरिल रामफोसा ने राष्ट्रीय वकील प्राधिकरण के मुख्य के रूप में किस महिला वकील को नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलीमा बबोटी को नियुक्त किया है महिला वकील के रूप में। नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय नारायण झा को नियुक्त किया गया है नए वित्त सचिव के रूप में। यस बैंक ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में पूर्व बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण प्रमुख को 5 साल के लिए नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर जाएगा TS विजयन को नियुक्त किया गया है पूर्व बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के रूप में के प्रमुख के रूप में TS विजयन को नियुक्त किया गया है यस बैंक में। 12वीं एशिया प्रशांत स्क्रीन अवार्ड में FIPF
पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदिता दास को FIPF पुरस्कार दिया गया है नंदिता दास को। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कारों के लिए चुना गया है किन्हें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को। किस बॉलीवुड सुपरस्टार को तीसरे सजाई रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर 2017-18 के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोफेसर पुनिया श्लोक बहादुरी को प्रतिष्ठित स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। 2018 बेलोन डियोर किसने हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुका मॉड्रिक ने हासिल किया है 2018 का बेलोन डियोर। अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रिंगिंग इवेंट में पहला भारतीय व्यक्तित्व पदक विजेता कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्लास नारायण। उल्लास नारायण अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रिंगिंग इवेंट में पहला भारतीय व्यक्तित्व पदक विजेता बन गया है। इस साल के मिस्टर सुपर नेशनल खिताब जीतकर इतिहास किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेथमेश मोलिंगर ने इस साल मिस्टर सुपर नेशनल खिताब जीत करके इतिहास बनाया है। किसे स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया ममता बनर्जी को, जो कि वेस्ट बंगाल के सीएम हैं। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के फ्रेंच नाइट से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक अमृतराज को। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के फ्रेंच से अशोक अमृतराज को सम्मानित किया गया। योजना एवं लॉन्च। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, यानी कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा के हाथ के साथ युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं मारुति सुजुकी इंडिया। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 2 एम्स की स्थापना की मंजूरी दी है। नए 2 एम्स की स्थापना की मंजूरी दी है वो कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और तेलंगाना में 2 एम्स की स्थापना करने की मंजूरी दे दी है कैबिनेट मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री सुरक्षा योजना के तहत कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत तमिलनाडु और तेलंगाना में 2 नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दे दी है। किस राज्य में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डोर स्टेप आधार नामांकन योजना शुरू की गई है? तो तमिलनाडु के बच्चों के लिए डोर स्टेप आधार नामांकन, मतलब कि आधार कार्ड बनाया जाएगा घर घर में जाकर के, वहां पर बच्चों का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और उसका आधार बनाया जाएगा घर घर जाकर के। तो तमिलनाडु में ये कार्यक्रम चालू किया गया है इस योजना को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय और राज्य। हवाई यात्रा सुविधाजनक और परेशानी मुक्त करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर सेवा 2.0 को लॉन्च किया गया है। हवाई यात्रा की सुविधा और परेशानी से मुक्त करने के लिए नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है एयर सेवा 2.0। किसे व्यापक रूप से भारतीय विज्ञान का ब्रांड फादर कहा जाता है? मतलब कि किसे व्यापक रूप से, मतलब कि व्यापार के जगत के रूप से भारतीय विज्ञापन का ब्रांड फादर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिल पद्मासी को कहा जाता है भारतीय विज्ञान का ब्रांड फादर। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित प्राव क्या है? ये धर्म का मैराथन है जो कि इसे क्या बोलते हैं प्राव। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चंदपुरी किस प्रसिद्ध युद्ध के नायक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोंगेनवाला के लड़ाई के युद्ध के प्रसिद्ध नायक थे ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चंदपुरी।
पुलिस में महिलाओं के 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा रांची में, जो कि झारखंड में है। कहाँ किया गया था? पुलिस में महिलाओं के 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रांची में किया गया था, जो कि कहाँ पर है? झारखंड में है। पुलिस संचार और चुनौतियों का आधुनिकीकरण पर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था पुलिस नई दिल्ली में आयोजित किया गया था पुलिस संचार और चुनौतियों का आधुनिकीकरण पर सम्मेलन। NITI आयोग द्वारा गठित हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VK सरस्वत करेंगे इसका गठन और इसका नेतृत्व करेंगे। NITI द्वारा आयोजित जो गठित हुआ है हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का नेतृत्व कौन करेंगे? अभी VK सरस्वत। जरा विज्ञान और बुजुर्गों की औषधि पर 4th अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में आयोजित किया गया है, कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया जरा विज्ञान और बुजुर्गों की औषधि पर 4th अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन। मेचुका में एडवेंचर फेस्टिवल के 6th संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर जाएगा सलमान खान ने किया है एडवेंचर फेस्टिवल का 6th संस्करण मेचुका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किए गए खेलों के क्षेत्र में युवा मामलों पर सहयोग का समझौता ज्ञापन के लिए मंजूरी दी है? तो तजिकिस्तान के साथ हस्ताक्षर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तजिकिस्तान के साथ हस्ताक्षर किया है खेल के क्षेत्र में युवा मामलों पर सहयोग मामलों पर ज्ञापन के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली लॉन्च की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पश्चिम बंगाल सरकार पर कोलकाता और हावड़ा की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाने के लिए नाकाम रहने के लिए कितना जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पश्चिम बंगाल सरकार पर कोलकाता और हावड़ा की सुरक्षा वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कदम उठाया है, जिसमें 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पश्चिम बंगाल सरकार पर। देश का पहला हाइपर कन्वर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर जगह देहरादून में हुआ है। देश का पहला हाइपर कन्वर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा सेंटर का उद्घाटन हुआ है देहरादून में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय उत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, उत्सव का नाम क्या रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हौसला 2018, जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय उत्सव किया गया था, जो कि उद्घाटन का कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। और इस उत्सव का नाम क्या है? तो इस उत्सव का नाम है हौसला 2018। किस अभिनेता ने फोर्ब्स इंडिया की सालाना उच्चतम भुगतान वाले हस्तियों की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलमान खान। सलमान खान ने फोर्ब्स इंडिया की सालाना उच्चतम भुगतान वाले हस्तियों में वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान पर मतलब फर्स्ट स्थान पर स्थान हासिल कर लिया है सलमान खान ने। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2018 को। विश्व सीमा शुल्क संगठन के नीति आयोग का 80वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। विश्व सीमा शुल्क संगठन के नीति आयोग का 80वां सत्र आयोजित किया गया है। NITI फोरम ऑफ नॉर्थ
ईस्ट की दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी। तो ये कहाँ की जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में, गुवाहाटी में की जाएगी NITI फॉरम फॉर नॉर्थ ईस्ट की दूसरी बैठक। रक्षा अधिकरण परिषद ने लगभग 3,000 करोड़ रुपए के लिए रक्षा उपकरणों के अधिकरण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3,000 करोड़ रुपए जो रखी रक्षा अधिकरण परिषद ने अपने रक्षा उपकरणों को अधिकरण करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। पहली निदेशालय जनरल सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा सैन्य चिकित्सा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। चौथे साझेदार फोरम कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। सतत जल प्रबंधन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहाली में सतत जल प्रबंधन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारतीय तट रक्षक द्वारा आयोजित क्षेत्रीय स्तर समुद्री तेल प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का नाम क्या रखा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्री सी 2018 नाम रखा गया। भारतीय तट रक्षक द्वारा आयोजित जो क्षेत्रीय स्तर पर समुद्र तेल प्रदूषण प्रतिक्रिया का अभ्यास का नाम क्या रखा गया, मतलब कि जितने भी क्षेत्रीय स्तर पर समुद्र तेल का प्रदूषण होता है तो उसको नाम क्या रखा गया इस अभ्यास का, तो इसका नाम क्या रखा गया है, 3C। CII ग्लोबल SMI बिजनेस समिट का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो गैस 2019 लॉन्च किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वैश्विक विमान शिखर सम्मेलन के लिए गैस 2019 को लॉन्च किया है। भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान राष्ट्रीय कैंसर संस्थान NIC कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में स्थित है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, जो उसकी भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है। रक्षा मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने संगाई पर्यटन त्यौहार का उद्घाटन किया, यह किस राज्य का वार्षिक त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मणिपुर का राष्ट्रीय वार्षिक त्यौहार है, जो कि वर्ष में मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, संगाई पर्यटन त्यौहार, जो कि इसका उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्रालय निर्मला सीतारमण के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिलवासा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी है। सिलवासा किसकी राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिलवासा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की मंजूरी दे दी है, जो कि सिलवासा में मेडिकल कॉलेज अब स्थापित किया जाएगा। ये सिलवासा किसकी राजधानी है, तो ये दादर और नगर हवेली की राजधानी है। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम मो साइकिल लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य सरकार ने सार्वजनिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम जिसका नाम है मो साइकिल को लॉन्च किया है उड़ीसा सरकार ने। किस राज्य ने पर्यटन पुलिस लॉन्च की है, जो राज्य में पर्यटक की सुरक्षा के लिए काम करेगी, मतलब कि राज्य में जितने ही पर्यटक आएंगे उसके सुरक्षा के लिए काम करेगी वो पुलिस पर्यटक, तो उसका राम कहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये तो ये नागालैंड में लॉन्च किया गया है। नागालैंड ने लॉन्च किया है पुलिस पर्यटक पुलिस को उनकी सुरक्षा के लिए। राजगीर में भगवान बुद्ध की 70 फीट मूर्ति का अनावरण किया गया था, बिहार के किस जिले में राजगीर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के नालंदा जिले में राजगीर स्थित है, जहां पर भगवान बुद्ध की 70 फीट की लंबी मूर्ति का अनावरण किया गया था। देहरादून हवाई अड्डे का दूसरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, जो कि देहरादून का दूसरा हवाई अड्डे का दूसरा नाम है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2018 कहाँ मनाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहिमा में मनाया जा रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2018। अब अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कृषि शोध
शिक्षा, सशक्तता जैसे क्षेत्रों में सहयोग और निवेश बढ़ाने के लिए समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने हस्ताक्षर किए हैं, तो ये कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। कृषि पर किए हैं, शिक्षा पर किए हैं, और सशक्त इस टाइप के जितने भी सशक्त क्षेत्र हैं जिसमें सहयोग और निवेश को बढ़ाने के लिए इसी क्षेत्र में, ये 5 क्षेत्रों पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत और सिंगापुर के बीच तीसरा रक्षा मंत्रियों के बातचीत कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। भारत और सिंगापुर के बीच में तीसरा रक्षा मंत्रियों की बातचीत कहाँ आयोजित की गई है? तो यह है विशाखापट्टनम में आयोजित की गई है तीसरा मंत्रियों के बीच बातचीत। भारत ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने के लिए किस देश के साथ एक संशोधित रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर के साथ हस्ताक्षर किया है। काउंटर टेररिज्म पर भारत ब्रिटेन संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है भारत और ब्रिटेन का यह कार्य सामूहिक 12वीं बैठक। ये किस पर किया गया है? तो ये काउंटर टेररिज्म पर। फुटपाथ एंड कम्यूटेशनल अप्रोच नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कौन सा देश अपने एक बिजनेस स्कूल द्वारा जारी वैश्विक वार्षिक प्रतिभा रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश जो है एक बिजनेस स्कूल द्वारा जारी वैश्विक वार्षिक प्रतिभा रैंकिंग में सबसे ऊपर है। इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान ने किस हिंदू महिला सांसद और मानवाधिकार कार्यकर्ता का नाम 100 प्रेरणादायक तथा प्रभावशाली महिलाओं की बीबीसी की सूची में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा कुमारी कोहली को नाम शामिल किया गया है बीबीसी की सूची में। ब्रज प्रहार भारत और किसके बीच का सैन्य अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। भारत और यूएसए के बीच वज्र प्रहार नामक एक सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम था क्या? भारत और यूएसए के बीच हुआ था वज्र प्रहार। भारत ताइवान एसएमआई विकास फोरम कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ताइपे में। ताइपे में भारत ताइवान एसएमआई विकास फोरम आयोजित किया गया था। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के पहले युवा अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाहिद अफरीन को। नाहिद अफरीन को नियुक्त किया गया है युवा अधिवक्ता के रूप में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता संरक्षण और कानूनी मेट्रोलॉजी पर भारत और किसके बीच एक समझौता ज्ञापन मंजूरी प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। भारत और मॉरिशस के बीच समझौता ज्ञापन पर मंजूरी प्रदान की है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता संरक्षण और कानूनी मेट्रोलॉजी पर। किम जोंग यांग के अध्यक्ष चुने गए हैं, कहाँ के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए हैं किम जोंग यांग। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है इमरान खान ने पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत में डेरा बाबा नामक मंदिर में जोड़ने वाले गलियारे के लिए आधारशिला रखी है। जो डेरा बाबा नामक मंदिर किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरदासपुर में। गुरदासपुर में ये डेरा बाबा नानक मंदिर स्थित है। इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। सी ए भवानी देवी ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में वरिष्ठ मंत्रिमंडल चैंपियनशिप किस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा फेंसिंग में। फेंसिंग चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाली सी एस भवानी देवी ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में वरिष्ठ राष्ट्रमंडल के पद पर पहली बार स्वर्ण पदक जीती है। प्रथम भारतीय रूस सामरिक आर्थिक वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सेंट पीटर्सबर्ग। वित्तीय जागरूकता भारत सरकार और विश्व बैंक ने पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए $310 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किस
राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो इसका आयोजित किया जाएगा झारखंड में। झारखंड में जो पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट का प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा वहाँ पर, तो कितने बिलियन डॉलर इस पे खर्च किए गए हैं किस इस शहर में, तो इसमें 310 मिलियन डॉलर इस समझौते पर ऋण के तौर पर विश्व बैंक ने भारत सरकार को दिए हैं। किस बैंक और केंद्र ने भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा ऋण देने में सहायता के लिए 100 मिलियन डॉलर की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशिया विकास बैंक ने, एशिया एडीबी ने, एडीबी ने, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने 100 मिलियन डॉलर ऋण देने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, जो कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसन कंपनी को दिया गया है यह ऋण। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग का नौवां अधिवेशन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो ये किसके किसके बीच में हुआ? तो ये हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। भारत सरकार और एशिया विकास बैंक ने तमिलनाडु में जल और स्वच्छता सेवा प्रदान करने के लिए कितने डॉलर राशि का एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 169 मिलियन डॉलर। भारत सरकार और एशिया विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत ट्रांसमिशन का समर्थन करने के लिए कितने डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 105 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं एशिया विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में जो जल विद्युत ट्रांसमिशन का समर्थन करने के लिए। बेंगलुरु में किस बैंक ने देश के अपनी पहली डिजिटल शाखा खोली है? तो बेंगलुरु में कर्नाटक बैंक ने अपनी पहली डिजिटल शाखा खोली है। यूएस आधारित बैंकिंग समाधान प्रदाता एनसीआर निगम ने एटीएम नेटवर्क को आईटी समर्थन सेवा प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के साथ हस्ताक्षर पर समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं यूएस, जो कि यूएस के मॉडल पर आधारित है ये बैंकिंग समाधान प्रदाता। भारत सरकार और एडीबी ने कर्नाटक के चार तटीय शहरों जो कि कंडपुरा, मंगलोर, पुत्तूर, उडुपी में 2400 घंटे जलापूर्ति मुहैया कराने और मंगलोर शहर में स्वच्छता से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए एक ऋण पर हस्ताक्षर किया गया है, जो कि एडीबी देंगे, एशिया डेवलपमेंट बैंक देगी। तो कितना डॉलर दे रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 मिलियन डॉलर। भारत सरकार और एशिया विकास बैंक ने बिहार में राज्य राजमार्गों को सुधारने के लिए कितने डॉलर के लिए ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 मिलियन डॉलर का ऋण के लिए हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक्स रिसर्च के अनुसार चाल वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ाने का अनुमान कितना लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 7.4% बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है। कौन सी भारतीय आईटी कंपनी 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 12,700 करोड़ रुपए से अधिक के लिए चयनित आईबीएम सॉफ्टवेयर उत्पादों का अधिग्रहण करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCL टेक्नोलॉजी। भारत सरकार ने किस देश के साथ सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और म्यूचुअल सहायता पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो पेरू के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है सीमा शुल्क मामलों के लिए, सीमा शुल्क मामलों और म्यूचुअल सहायता पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है भारत सरकार ने पेरू के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्तीय
चाल वित्तीय वर्ष के लिए कितने परसेंट आर्थिक विकास दर को बरकरार रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4%। 7.4% आर्थिक विकास दर को बरकरार रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पांचवी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में। भारत और किस देश ने मुद्रा स्वैप सहित दो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात के साथ। एशिया विकास बैंक किस राज्य में कौशल विकास पर्यावरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य को, में जो कौशल विकास पर्यावरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 85 मिलियन डॉलर की अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी एशिया विकास। अब कुछ खेल जगत के करंट अफेयर को देख लेते हैं। पहला, ATP वर्ल्ड टूर फाइनल खिताब जीतने के लिए नोवाक जोकोविच को किसने हराया? तो इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर जेवरल ने नोवाक जोकोविच को हराया ATP वर्ल्ड टूर फाइनल खिताब जीतने के लिए। किस देश ने विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा देश ने विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी की। ताइपे OEC ओपन में युगल ट्रॉफी के लिए इनामी राशि कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125,000 अमेरिकी डॉलर। नोजोमी ओकुहारा ने किस खेल में महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग ओपन में नोजोमी ओकुहारा ने महिला एकल खिताब जीता है। हांगकांग ओपन के पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SunWH ने। ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित कर दिया गया है राकीबुल हुसैन को पुनः निर्वाचित कर दिया गया है ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में। जॉन हेस्टिंग ने क्रिकेट के सभी रूपों से अपनी संन्यास की घोषणा की, वो किस देश से संबंधित है? तो वो संबंधित है ऑस्ट्रेलिया देश से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आयु धोखाधड़ी के दोषी पाए जाने वाले खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम कितने साल का निलंबन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2 साल के लिए उनको निलंबित कर दिया जाएगा। 2018 आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने जीता है 2018 का आबूधाबी ग्रैंड प्रिक्स खिताब। विज्ञान और प्रौद्योगिकी देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, उपग्रह का नाम क्या है? हाइसिस नाम है इस उपग्रह का नाम। भारत में सबसे भारी उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम है GSAT-11। विज्ञान केंद्र और संग्रहालयों के प्रमुखों का 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईटानगर में। GSAT-7 ए सामरिक संचार किसकी नेटवर्किंग क्षमता को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना को बढ़ावा देता है सामरिक संचार GSAT-7 ए। अब कुछ विविध से देख लेते हैं। रेडियो कश्मीरी शांत एवं युद्ध काल में किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेश भट्ट के द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक। न्यायमूर्ति गिरधर मालवीर को किस विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में के कुलपति के रूप में न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय को नामित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14.8 मिलियन अनुयायियों के साथ सोशल मीडिया मंच पर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। तो ये कहां पर? तो ये इंस्टाग्राम पर 14.8 मिलियन अनुयायियों के साथ सोशल मीडिया पर के मंच पर उभरे हैं, जो कि इंस्टाग्राम पर उभरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। WIPO
की विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा दिए गए पेटेंट की संख्या 2017 में कितनी थी, कितनी परसेंट थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा 50% था, जो कि भारत के द्वारा दिया गया पेटेंट की संख्या 2017 में 50% था। ब्लू वाट्स अहॉय नामक पुस्तक 2001 से 10 से भारतीय नौसेना के इतिहास का तारीख वर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सुनील लांबा के द्वारा लिखी गई है ब्लू वाट्स अहॉय। वैश्विक रोजगार वेबसाइट इंडेड के अध्ययन के अनुसार कौन सी कंपनी भारत में काम करने के लिए अग्रणी प्रौद्योगिक संगठनों की सूची में सबसे ऊपर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडोब। एडोब जो कंपनी है वो सबसे ऊपर है, अग्रणी है प्रौद्योगिक संगठनों की सूची में। एलिबिट सिस्टम की तोपखाने बंदूकें प्रणालियों को उच्च गतिशीलता वाहन प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने इसराइल के एलिबिट सिस्टम के साथ एक समझौता किया? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक लेलैंड के साथ समझौता किया है। भारतीय वायुसेना और रूसी संघ एरोस्पेस फोर्स के बीच अभ्यास का नाम क्या है? भारतीय वायुसेना और रूसी संघ एरोस्पेस फोर्स के बीच जो अभ्यास है उस अभ्यास का नाम क्या है? वो अभ्यास का नाम है एवियंद्रा। भारतीय नौसेना और रूसी संघ नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो इंद्र नेवी जो है उसका 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उसका 10वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा बनाया जाने वाला सबमरीन दिवस कब होता है? तो वो होता है 8 दिसंबर को, जो कि सबमरीन डे इसे बोला जाता है, सबमरीन दिवस के रूप में मनाया जाता है भारतीय नौसेना के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अफगानिस्तान के बीच किस क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? के सहयोग पर समझौता ज्ञापन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल और ने मानव संसाधन विकास के सहयोग पर समझौता ज्ञापन के लिए हस्ताक्षर किया गया है भारत और अफगानिस्तान के बीच। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथि और दिवस देख लेते हैं। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। 13 मार्च को मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व विकलांगता विकलांगजन दिवस, विश्व विकलांगजन दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस यानी कि वाटर डे। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीवी दिवस यानी कि टीवी डे के रूप में मनाया जाता है 24 मार्च को टीवी दिवस। अब कुछ पुस्तक के बारे में देख लेते हैं, जो कि पहला पुस्तक है द कलर्स ऑफ द केज। द कलर्स ऑफ द केज इसे लिखे हैं अरुण फेरोरा ने। दूसरी पुस्तक है नेकोपोलिक्स, द नेकोपोलिक्स को लिखे हैं अवतार सिंह ने। अवतार सिंह ने लिखे हैं नेकोपोलिक्स को। तीसरी पुस्तक है वाशिंगटन ब्लैक, वाशिंगटन ब्लैक को लिखे हैं इसी इगुडान ने लिखी है वाशिंगटन ब्लैक को। चौथी पुस्तक है शिलोंग टाइम्स, जिसे लिखा है निलंजन पी चौधरी ने लिखा है शिलोंग टाइम्स को। पांचवी और आखिरी पुस्तक है द एनाटॉमी ऑफ हेड इसको लिखे हैं रेवती लाल ने लिखे हैं इसे द एनाटॉमी ऑफ हेड।